नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर, मध्य प्रदेश से सगरा में रखी गई नौ बिरसा मुंडा की मीटिंग, किया गया बैठक। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश रीवा हुजूर तहसील सगरा नौ बिरसा मुंडा की बैठक किया गया। इसमें उमा शंकर दहिया द्वारा सबको कार्य मिल गया, सबको बताया गया, जिसमें सचिव रंजन को सामाजिक मर्यादा का कार्यभार सौंपा गया। तो आप देख सकते हैं, सामाजिक का कार्य शीला मांझी को सौंपा गया। क्या आवेदन सतना तक से अंतर्राष्ट्रीय नौ बिरसा मुंडा दादूलाल को मिला, जिसमें नीलम द्वारा मजदूरी न देने का आवेदन दिया गया। वहां पर मौजूद रहे नंदलाल मांझी, रंगलाल कोल, महिला सशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकली कोल, सुखराजा कोल, भैयालाल, आशा देवी आदि लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष दादूलाल द्वारा सभी को शिक्षा पर ध्यान देने के लिए कहा गया। आजकल अक्सर देखा जाता है कि स्कूल में मिड डे मील नहीं बनता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, इस पर ज्यादा बल देने के लिए कहा गया। तो दादूलाल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह हमेशा अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं। महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष राज क्लीनर किशोरी पर हो रहे अत्याचार पर बल दिया। उन्होंने कहा, अक्सर देखा जाता है कि प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका नतीजा मऊगंज में सामने आया। अब हम आपको लेकर चलते हैं संभागीय कार्यालय कमेटी की तरफ से, उनकी जुबानी सुनिए। प्राग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। तो सभी की मैं सहमत हूँ कि हम सहमत हैं कि सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। तो जो हमको 2011 से हमके कार्य दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, आज तक निरंतर हम काम करा था और करते रहेंगे, चाहे बेटिये का हो सुरक्षा में, चाहे बुजुर्ग का हो, चाहे बहन का हो, माताएं का हो, हम बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर कब से लड़ाई में तब लड़ रहे हैं आप? हम 2011 से संगठन में जुड़न है। पहले बिरसा मुंडा रहा, ओकरे बाद नव बिरसा मुंडा भूम अधिकार महिला सशक्तिकरण जागरूक। उसमें आपका क्या पद है? ओमे हमारा पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है महिला सशक्तिकरण। तो निरंतर हम काम हम लोग करत रह गए। हम चाहते हैं कि जैसे सब लोग पद लिए हैं, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी अपन पद लिए हैं तो काम करने के लिए बुलंद रखे आवाज और सशक्त बनाए, तब जाके संगठन मजबूत रही। और जब तक सशक्त न बनी, संघर्ष न करी, तब तक आजादी न मिली। बॉम्बे से हम लड़की के मऊगंज में, मऊगंज ब्लॉक के ऊपर तहसील और घुरेटा के आए, उस लड़की के लाते से जूता से पकड़ के लिया, पन्नी ऐसा लिए रही, ओका जट के बलाई के लिया हुआ है मऊहा घुरेटा के, यहाँ मऊगंज की लगे थे। तो बलाई के बम्बई से ले आए हैं ओका की शादी कर, फिर यहाँ ले आए ओका बगीचा में, फिर पटक पटक मारी से लड़का, यहाँ से भागा है तो मिर्जापुर मार के गया है। वो बेडवो मतलब बॉयलर जब भय है तो आवाज उठाए नहीं, अधिकारी पहुंचे हैं मऊगंज क्षेत्र के, मऊगंज मतलब आपका मतलब कि अगर वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने एक्शन लिया है। हाँ, एक्शन ली तो उनके लिए निलंबित कर दी, मौर्या जो रही बहन जी बैठी रही मऊगंज में। तो ये इसलिए किशोरी चेतना पकवाड़ा मंच दिए जो दिल्ली वाले, तो सबके पास बेटियां हैं, बहन है, तो हम लोग जब ना लड़ा तो बेटियां सुरक्षित ना रही, का सुरक्षित रही नहीं रह पाएंगे। यह जिला में चाहे उत्तर प्रदेश जिला हो, चाहे मध्य प्रदेश, कहते हैं मोदी के साथ सबका विकास सबका साथ, तो कहा हमके मिलल सबका साथ सबका विकास। मर्डर होली बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बेटी नहीं बचती है, माताएं नहीं बचती है, पिता नहीं बचत है उनका, तो कहाँ सुरक्षा मिलल हमको, तो कहाँ सुरक्षा नहीं दिखा कौने जिला, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश। और जो हम कहना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रपति हमारी बहन मुरमुर बैठी हैं, अगर उनके तक मीडिया भाई आवाज पहुँचा दें तो हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमको, कि जो बेटियों के ऊपर बलात्कार होते हैं। और दिल्ली के नेता कहते हैं कि तुम लोग साड़ी हटा दो, फुलिया हटा दो, झुमका वाला ना पहन। क्या नाम है आपका? राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान रंजन कोल। रंजन कोल जी, इस समय आप कहाँ खड़े हैं? इस समय हम संभागीय कार्यालय नव बिरसा मुंडा सगरा। आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय दद्दी द्वारा जो है पद बांट गया, आपको क्या पद दिया गया है?
जो पद बांटे गए उसमें से हमको मर्यादा सम्मान अधिकार। अच्छा, मर्यादा सम्मान अधिकार, इसकी थोड़ी परिभाषा बताएंगे रतन जी? जी बताएंगे। हाँ बताइए थोड़ा। इसकी परिभाषा ये है श्रीमान जी कि हमारे समाजों में कहीं भी अगर मान सम्मान हानि अगर पहुंच रही है तो उसके खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वहां तक पहुंचेंगी, उसकी तह तक जांच करवाते हुए शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मान सम्मान। यही अपील है कि हम सब अगर संगठित नहीं रहेंगे, समाज नहीं सुधरेगा, नीति अपनी नहीं सुधरेगी, तो हमारी बहन बेटी भाई बहन यानी बुजुर्गों का कभी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी। और हम लोग हम चाहते हैं कि आप सब लोग संगठित रहिए। मैं आपका मेरा नाम सर राम कलेश कोल, जोर से बताइए। राम कलेश कोल नाम है मेरा। हाँ। मैं आया हूँ ग्राम कुपरियान झिरिया से, रामपुर बघड़ान से आया हूँ सर। और मेरा ताला थाना लगता है, हमारे पास से जो है तो हमारी मलकिन गई थी काम करने, एक भैलो नाम का पंडित है, तो 6-7 रोज काम किए हैं, महतारी बिटिया मिलाकर अस्तस के मतलब 1200-1300 रुपए होता है इनका दोनों के। तो मजदूरी मांगने गए तो पंडित ने उल्टा सीधा बोला कि मेरा पूरा काम नहीं किए हो, मजदूरी के मथरे बाहर ले लेना, झांट ले लेना, लाठी डाल देंगे। एक पंडित लाठी नहीं, नहीं नहीं, तो फिर आप प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गए सर, 100 नंबर भी बुलवाया, 100 नंबर सुझाव दिया कि थाना में जाके रिपोर्ट डाली आओ। हाँ। तो ताला थाना भी गए सर, तो वहाँ रिपोर्ट लिखे हैं, या बोले हैं कि आएंगे सर जांच करने, आज तक कोई नहीं आए सर। तो क्या प्रशासन सर संतुष्ट है? नहीं है सर, नहीं है मेरे जान। तो जब आप यहाँ संतुष्ट नहीं थे तो SP की अदालत, ये SP सतना के यहाँ? अब कहे से जाए सर, ना किराया ना भाड़ा, कोई मजदूरी नहीं देते हैं, अब जाएंगे किराया। हम यहाँ आए हैं सर, आप कार्यालय में बिरसा मुंडा कार्यालय में आया हूँ। हाँ। तो यही संगठित से मैं यही बयान कर रहा हूँ सर कि मेरी मदद मिल जाए। क्या मदद चाहिए आपको? मदद यही है कि जो अपराधी हमारे मजदूरी नेट देते हैं और दिन भर काम करा लेते हैं और उल्टा सीध बोलते हैं, मारने को धमकी देते हैं, तो मेरे जान की भी खतरा है, और काम करते हैं भूखे भूखे तो भी मजदूरी नहीं देते हैं सर। आपकी जमीन की समस्या जी भी जरूरी है हमें, आरक्षण से जो जुड़ी हुई हमारे पैसा एक्ट के तहत बजट है वो भाई हमारा जरूरी है, जिससे हमारी भी संस्था और समाज संगठन शिक्षा में अव्वल निकले और हमारे देश का जो कर्णधार युवा युवती किशोरी किशोर हैं वो इस देश को संभालने में सक्षम बने। और हमारा जो फास्ट या लास्ट सेवाओं को सफल करते हुए मैं ये मांग करता हूँ कि चाहे वो केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो या ग्राम पंचायत सरकार हो या राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, उनसे मेरी आर्थिक अपील है कि सचमुच अपने अपने नाम का कुछ छवि ऐसे छोड़कर जाएं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सहित गृह मंत्री, कि हमारे युवा शक्ति को, गरीबों को एक ऐसा रोजगार का अभियान चलाकर घर घर सर्वे कराकर देने का महान कृपा करें कि सचमुच ये भारत देश का ऐसी गरीबी मिटे, कि एक बार स्वच्छ भारत का तिरंगा लहराता रहे, और हर हाथ को काम, अकाम का मूल धन उचित दाम देने का महान कृपा कर जाएंगे तो इतिहास हमारा सदा अमर अमर रहेगा और सब भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, हम सब स्वतंत्र रूप से अपनी आज़ादी मनाने में सक्षम रहेंगे।